থাকবো তখন আমরা দেখে নেব, তখন আমরা দেখে নেব ভোটার পড়তে সব পালাবে, তখন বলবে আর কিছুদিন সেন্ট্রাল ফোর্সকে রেখে দাও, আর কিছুদিন সেন্ট্রাল ফোর্সকে রেখে দাও যেন আমাদের বাঁচিয়ে দেয়, তারপর তারপর। बंगाल में चुनाव के नतीजे आने के बाद चारों तरफ हिंसा का माहौल है। इस हिंसा में अब तक 12 लोगों की मौत हो चुकी है और कई बीजेपी दफ्तरों को आग के हवाले कर दिया गया है। वहीं जमालपुर अस्पताल में उसी क्षेत्र की एक महिला की मौत हो गई। महिला स्थानीय भाजपा नेता की मां थी, जिसके बाद परिजनों ने इसका इल्जाम टीएमसी के कार्यकर्ताओं पर लगाया और बताया कि टीएमसी के कार्यकर्ता ने उनके घर और परिजनों पर हमला किया। इन हमलों को लेकर भाजपा नेताओं में आक्रोश देखा जा रहा है। भाजपा सांसद प्रवेश सिंह ने कहा कि टीएमसी के गुंडे जीतने के बाद हमारे कार्यकर्ताओं को जान से मार रहे हैं, उनकी गाड़ियां तोड़ रहे हैं और घरों में आग लगा रहे हैं। याद रखना कि टीएमसी के सांसद, विधायक और मुख्यमंत्री को दिल्ली भी आना होगा, इसे चेतावनी समझ लेना। चुनाव में हार जीत होती है लेकिन मर्डर नहीं। वहीं ममता बनर्जी ने इस मुद्दे पर अपनी चुप्पी तोड़ते हुए कहा कि बंगाल शांतिप्रिय स्थान है, भले ही भाजपा और सीएपीएफ ने हमें यातनाएं दी लेकिन मैं सभी से शांति बनाए रखने की अपील करती हूं। हिंसा से लिप्त अगर कोई भी विवाद है तो पुलिस को संपर्क करें। हिंसा के बाद बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा 4 और 5 तारीख को 2 दिन के लिए बंगाल दौरे पर हैं। वे वहां सभी कार्यकर्ताओं से बातचीत करेंगे। इस पूरे मामले पर केंद्रीय गृह मंत्रालय ने ममता बनर्जी से पूरे मामले पर रिपोर्ट मांगी है।